बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी दाल माश ढाबा स्टाइल में। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं दाल को डालूंगी पैन के अंदर, और इसके अंदर डालूंगी, दाल है मेरी 250 ग्राम, एक पाव दाल। तो इसके अंदर इतना ही मैं पानी, एक बाउल मैंने दाल का था जो धो के पहले साफ करके रखी हुई थी, एक घंटा पहले मैंने इसको भगोया था, तो वो मैंने इसके अंदर एक घंटा भगो के रख दिया था। तो अब इसको मैंने पैन के अंदर डाल दिया, डाल के इसमें इतनी दाल थी उतना ही पानी डाल दिया। तो अब इसको मैं मीडियम आग पे इसमें एक टीस्पून नमक डाल दूंगी और इसको ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये हमारी दाल जो है ये माशाल्लाह से गल जाएगी, और मैं उतनी देर में अपना जो मसाला है वो सारा तैयार करूंगी अलहदा में, और उतनी देर में हमारी दाल तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको बाद में दिखाते। अब ऑयल मैंने एक कप डाल के उसको गरम कर लिया है कढ़ाई में। आम दाल की बनिस्बत इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करना है लहसुन को, घी गरम है तो इसलिए जल्दी हो जाएगा, तकरीबन 1-2 मिनट लगेंगे इसे। अब इसको 1-2 मिनट सिर्फ मैंने फ्राई किया है लहसुन को, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे, एक बड़ी साइज की प्याज लेके उसको हंडिया वाले फीके में काट लिया हुआ है। ये प्याज हमारा अब लाइट ब्राउन हो गया है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, इसको थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। उधर हमारी दाल जो है वो पक रही है लहदा में, तो इधर हम मसाला कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं। हमारा प्याज जो है ये अब मिक्स कर रहे हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर और सब्ज मिर्च, एक टमाटर छोटे साइज का कट है वो इसके अंदर डाल दिया, और थोड़ी सी सब्ज मिर्च बारीक लंबे साइज तरीके में काट के तो उसको इसके अंदर डाल। अब इसको अच्छी तरह मसाले को भूनते हैं और इसमें नमक मिर्च ऐड करते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने दाल के अंदर भी ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून हल्दी। अब इसको हम 5 मिनट तकरीबन भूनेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और प्याज भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको मैंने 5 मिनट हो गए, इसको मैं भूनते हुए अच्छी तरह इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ और अच्छी तरह मसाला भूनती जाती हूँ। तो इसको इसमें मैंने थोड़ी सी बोनलेस चिकन काट के बारीक बारीक वो डाल दिया है, क्योंकि अगर आप स्किप करना चाहें तो आप काट सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चिकन के बगैर दाल नहीं खाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकन बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब यह हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसको बस 1-2 मिनट भूनूंगी, तो उधर हमारी दाल भी जो है वो पक चुकी है, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है दाल। तो वो चूल्हा हम बंद करते हैं और इतना सा पानी हम इसको इधर उलटा देंगे, क्योंकि मसाले के अंदर भी इसको 2-4 मिनट के लिए ढक दिया, ताकि दाल के अंदर अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। तो अभी ये मसाले में थोड़ा सा पानी है, इसको 1-2 मिनट फ्राई करती हूँ मैं, तो फिर इसके अंदर दाल ऐड करती। ये मसाला बिल्कुल तैयार है अच्छे से, तो अब दाल इसके अंदर ऐड करते हैं। तो
अब जो पानी है दाल के अंदर, इसको हमने खुश करना है, तो तेज आग ही रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी तेज, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। और इसको हमने 2 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि हमारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह और मसाला दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अब ये हमारी दाल जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 5-7 मिनट हमने सिर्फ रखा है क्योंकि इसका पानी खुश्क हो चुका है और दाल जो है वो मजे की तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम ऐसे करके देख भी सकते हैं क्योंकि दाल हमारी गल जब थोड़ी सी हमने खड़ी खड़ी रखनी होती है, ये ज़्यादा मिक्स करें तो ये दाल ख़राब हो जाती है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा मसाला, जो होममेड मसाला है हमारा, 1 टीस्पून वो इसके ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और 1-2 सब्ज़ मिर्च का मैंने बारीक काट के लंबाई में रखी हुई थी वो इसके ऊपर 2-3 पीस डाल देते हैं। तो अब हमारी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।